नमस्कार, मैं हूं योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि जिन लोगों की 15,000 रुपए तनख्वाह है उनका जो पीएफ है वो सरकार भरेगी, कर्मचारी व कंपनियों के खाते में से केवल 10% ही काटा जाएगा। साथ ही एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। इन कारोबारियों को 4 साल तक बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। कुल मिलाकर 6 बड़े कदम एमएसएमई को लेकर उठाए गए हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी अन्य खबरों के लिए हम बात करते हैं मेरी साथी दिव्या अठवाल से। नमस्कार योगिता, आज जो हमारी डेस्क पे आई है बताना चाहूंगी। आज जो है नीमच की सबसे बड़ी खबर आई है कि कोरोना से पहली मौत की पुष्टि हुई है नीमच शहर की। तो मतलब गौरतलब है कि मेहनत नगर में रहने वाले डॉक्टर पीयूष प्रधान के पिताजी है राजेन प्रधान जी, जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिनको इंदौर के अस्पताल में रेफर किया गया था, जिनकी आज मौत हो चुकी है और बाकी के जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है। साथ में नीमच की मौत की बुरी खबर के साथ में एक राहत की खबर यह है कि नीमच में 4 लोग हैं, शमीम, फरजाना, मोहम्मद जफर और मोहम्मद इरफान हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिनको आज छुट्टी मिल चुकी है, वात्सल भवन से अपने घर लौट चुके हैं, जिनका सभी लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया है, सम्मान किया है। और इसी के साथ में मनासा की एक खबर है। मनासा क्षेत्र के दुरापुरा गांव में 2 पक्षों के बीच में कुछ जमीनी विवाद को लेकर पथराव हो गया है और जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें मनासा थाना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी पुलिस जाँच में जुटी हुई है कि क्या होने वाला है आगे। इसी के साथ में आज जो है आज दिन भर जैसे बारिश का मौसम रहा है और आकाशीय बिजली का कहर रहा है। इसी के साथ में नीमच में आज भोलियावास कला में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की मतलब आकाशीय बिजली होने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, जिनका नाम अशोक बताया जा रहा है, पिता पन्नाला बताया जा रहा है उनका। वहीं सिंगरौली में भी आज पचोर गांव में एक व्यक्ति की 40 वर्षीय व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसका नाम सत्यनारायण बताया जा रहा है। वहीं शाजापुर के पचोली गांव में भी 2 युवक की आकाशीय बिजली से दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दो युवक है जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है और अभी उनका उपचार जारी है। और एक और खबर है, अच्छी खबर है, केंद्र सरकार ने जो COVID-19 की दवाइयों के लिए जो अश्वगंधा से दवाई बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसका दावा किया है, जिसके चलते नीमच का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि नीमच वो जगह है जो पूरे एशिया में मतलब 1500 हेक्टेयर अश्वगंधा यहाँ पर बनाई जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिसके चलते केंद्र सरकार ने COVID-19 की जो दवाइयाँ हैं वो अश्वगंधा से बनाने के लिए दावा किया है, जिसके चलते नीमच के जितने भी अश्वगंधा किसानी हैं और व्यापारी हैं जिनके चेहरे पे काफ़ी खुशी की रेल छाई हुई है, क्योंकि जो भी मतलब अश्वगंधा है जो पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको भेजा जाता है दवाइयों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसी के साथ में बांसवाड़ा के मेवाड़ हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक मेवाड़ हॉस्पिटल में जहाँ पे एक भीषण आग लग गई है और जो आग का कारण है बताया जा रहा है कि एसी में कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लग गई है, जिसमें लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पे जो सेकंड बिल्डिंग है उसके आग की गर्मी के कारण सभी कांच वगैरह टूट गए हैं। वैसे गनीमत है कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो ये आज हमारी डेस्क पे खबरें रही है। तो ये थी मेरी साथी दिव्या अठवाल, जिन्होंने आज आपको बड़ी खबरों से अवगत करवाया है। धन्यवाद।